मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट पर 7 मई को हुई वोटिंग के दौरान नाबालिग बच्चे से वोट डलवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बैरसिया विधानसभा क्षेत्र का है। हालांकि मामला सुर्खियों में आने के बाद वीडियो डिलीट भी कर दिया गया। नाबालिग बेटे से वोट डलवाने के मामले में कांग्रेस हमलावर हो गई है। चुनाव आयोग के पास भी शिकायत पहुंची है। भोपाल में भाजपा जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने नाबालिग बेटे से अपना वोट डलवाया। उन्होंने मोबाइल से इसका वीडियो बनाया और इसे वायरल भी कर दिया। मामला तूल पकड़ने के बाद उन्होंने इसे डिलीट कर दिया, लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का कहना है कि मामले में चुनाव आयोग मूठ बनकर बैठा हुआ है। अगर कोई दिव्यांग या बीमार है तो उसकी तरफ से वोट करने वाले व्यक्ति की आयु 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है। जो वीडियो वायरल हो रहा है इस पर तत्काल निर्वाचन आयोग संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करे। मतदान केंद्र तो घर की खेती जैसे हो गए कि टहलते हुए जाओ, जैसे मॉल में जाते हैं है? अपनी जगह बच्चों से कहो भैया वो साबुन ले आओ है? वो सब्जी उठा ले आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चुनाव एक बहुत गंभीर प्रक्रिया है और निर्वाचन आयोग की इसलिए पूरी आचार संहिता बनी हुई है और उसके नियम संचालन और प्रक्रिया को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और जो नहीं करते हैं तो उनको दंड मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वायरल वीडियो को लेकर भाजपा प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि पूरे देश से निर्वाचन को लेकर अलग अलग वीडियो आ रहे हैं, इस पर निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, मतदान से संबंधित विभिन्न तरह के वीडियो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। अब ये निर्वाचन आयोग का काम है कि इस संदर्भ में क्या नियम है और नियम के अनुसार क्या जांच होना चाहिए, उसके उपरांत कदम उठाए जाए। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग की किसी भी कार्य पद्धति में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। मतदान और मतगणना की निष्पक्षता पारदर्शिता पूरी तरह निर्वाचन आयोग के ऊपर है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।